तो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से विरोध हो रहा है, कौन कौन दल विरोध कर रहे हैं, कौन समर्थन में आए। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है वो यही कि लखनऊ में किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और वो इस बिल के विरोध में है। तो नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है, चाहे सदन में हो और सदन से बाहर भी। जीपीओ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस लगातार इस बात को बार बार कह रही है कि ये बिल कहीं ना कहीं खिलाफ है मुस्लिमों के। तो तस्वीर सामने आ रही है कि कांग्रेस की आखिर मानसिकता क्या है, ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। लेकिन नागरिक संशोधन बिल को लेकर के अगर बात करें, अमित शाह ने खुद साफ तौर पर कहा है कि अगर इस बिल को लेकर वे खुला चैलेंज करते हैं, विपक्ष को लेकर के अगर इस बिल में कोई कमी है तो वो वापस लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन फिलहाल समूचा विपक्ष जो है वो किस तरीके से विरोध कर रहा है, तो पुलिस बल फिलहाल मौके पर मौजूद है लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूरा जो विपक्ष है वो एक तरफ नजर आ रहा है। हालांकि कल जब वोटिंग हुई थी तो फिलहाल पास हो गया, लेकिन अब राज्यसभा में कहीं ना कहीं इस बिल का पास होना बड़ी चुनौती है। तो भारी तादाद में फिलहाल पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और लगातार विरोध जारी है। तो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के हालांकि बहुत सारे इसमें सुझाव भी आए हैं और बताया जाए किस तरीके से जो चीजें हैं, जब सत्ता पक्ष लगातार इस चीज को कह रहा है कि वो उस चीजों को समझे, वो कभी भी इस तरीके से हर चीज चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच वोटिंग को लेकर भी विपक्ष ने किस तरीके से निशाना साधा, लेकिन अब बड़ी चुनौती है इसका पास होना। अबू तला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबू, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर समूचा विपक्ष किस तरीके से अब एकजुट नजर आ रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, अपनी बात रख रही कांग्रेस? जी देखिए, आपको बता दें लोग जिस तरह से नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी यहाँ हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी मौजूद है और लगातार जो नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने जो संशोधन बिल की प्रति थी उसको भी जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जी जी, तो फिलहाल अगर आप बात करें तो मौके पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति, क्योंकि अब जो बड़ी चुनौती जिस तरीके से ये है कि अब कल इसको लेकर के राज्यसभा में पास होना, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो संख्या बल के आधार पर किस तरीके से अब बड़ी चुनौती है सबसे इसको पास कराना? जी देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं अजय लल्लू का साफ तौर से कहना है कि कल संसद में भी इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। लगातार कांग्रेस पार्टी इस बिल का लगातार विरोध करती रहेगी और अगर मौजूदा स्थिति आपको बता दे तो गांधी प्रतिमा पे अभी भी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, पुलिस बल भी मौजूद है, लगातार पुलिस बल उनको यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन जारी है, भारी तादाद में पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता जीपीओ के पास।